भयंकर पड़ रही है। और सुहाग रात में क्या क्या करना है मुझे तो पता ही नहीं है। सर मत लो डार्लिंग, हम बहुत बार ही मना चुके हैं और तुमको बताने के लिए हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। बोला तुमने मुझे पहले ही शक था तुम्हारे चरित्र पर। नहीं डार्लिंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुहागरात सब लोग पहले ही बात बनाते हैं, मगर आपको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। दीदी जल्दी उठाओ ना मेरे गुर्दे। क्या थोबड़ा है, क्या मुखड़ा है। क्या हुआ, जाली मच्छर ने काट दिया क्या? नहीं। वाह, इतनी रात को क्यों रो रही हो, कोई जग जाए। दियो की याद आ गई। अभी ऐसी सुहाग रात को हमको तो पहले ही शक था, अभी तुम्हारे ससुर जी से ही तालाब के कागज मंगवा देते हैं। बेवकूफ इंसानी हो क्या, बीएफ का मतलब होता है ब्रदर और फादर, उनकी याद आ गई थी हमें। हे राम गांव आके फंस गए, हम तो यहाँ पे मर ही जाएंगे। मेरी नई नवेली दुल्हन, मुझे तो जोर का झटका ही लग गया। आप मुझे कैसा पति थमा दिया, मैं तो यहाँ मर ही जाऊंगी। चुप चुप हो जा मेरी नई नवेली दुल्हन, मुझे तो जोर का झटका ही लग गया था। खूब इंसानी हो क्या, बीएफ का मतलब होता है ब्रदर और फादर, उनकी याद आ गई थी हमें। मेरी नई नवेली दुल्हन, मुझे तो जोर का झटका ही लग गया। इसे शुरू करो, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये क्या हुआ, कहीं पुलिस वालों ने रेत तो नहीं मार। पागल हो गई हो क्या, ये मेरा घर है, ये कोई होटल नहीं है। अच्छा तब तो ठीक है, मैं तो डर ही गई। बताओ रेत वाली बात तुमको कैसे पता। गोली चली, देखो फिर से जाओ देखो। बंदूक वाले फूफा जी आ गए, देखो अभी इनको समझाते हैं, इनको इसी टाइम पे ही आना था। काम करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं। मारने वाला फूफा नहीं है, डायरेक्ट वो अंदर चला आएगा। बेबी देखो लॉक डबल लगा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। दरवाजा खुलवाओ वरना गोली चल जाएगी। ओए जी काहे इतना हल्ला मचा रहे हो, घर में बहू और बेटा है। वो बाहर पड़े हो और कहते हैं बहू बेटा जो खुद घर के अंदर है तुम्हें बाहर फेंक दिए हैं। सी बात नहीं है, अंदर बहू बेटे की सुहाग रात चल रही है, इसीलिए हम दोनों बाहर हैं। पहले ही बोला था कच्ची उम्र में शादी मत करो, अब पड़े रहो दोनों लोग बाहर। ऐसी बात नहीं है बहनोई जी, घर में कमरा एक ही है, इसीलिए अंदर सुहाग रात चल रहा है तो हम लोग बाहर हैं, आप भी इधर आ जाओ। जी साहब आज रात की तो बस बात है। दोई तो मेरे हैं ये। बहनोई साहब आज की रात की तो बात है, बिस्तर कल से सबका अंदर ही लगेगा, सो बाहर इतनी भयंकर गर्मी है। लगता है कि तुम्हारे फूफा सो गया है, अब जरूर जल्दी शुरू करो वरना सुबह हो जाएगी। अरे फूफा यार ये चैन है ना, सोने सोते हैं ना सोने देते हैं, सारे रिश्तेदार खा पी कर चले जाते हैं और ये यहाँ पे डेरा डाल देते हैं। निकल बाहर,
ससुराल है मेरा, मुझको अंदर घर में सोना। आप बाहर ही सोइए। बाहर बहुत गर्मी है, मुझे अंदर ही सोना है। अरे सो जाओ, अंदर क्या काम है, मेरा अंदर काम है। अंदर क्या काम है, किसी बड़े इंसान ने एक अपनी बेटी दे दी तो तू उसको रात भर तंग करेगा क्या? अरे अरे नंदोई साहब, यहाँ क्या ले रहे हैं, यहाँ तो हमें घुसने की कोशिश नहीं किए। यहाँ से हटो, हमें अगले साल पोते का मुंह देखना है। मैं बाहर सोऊंगा। मैं आराम से बोलो ना, ये तो बात बात में इतना फायर करते हो तुम। भानुई जी, आप बच्चों को आराम करने दीजिए, यहाँ से चलिए। कमरे में आराम से घर में सोएंगे और हम बाहर गर्मी में सोएंगे, इतना अपमान नहीं बर्दाश्त करूँगा। गर्मी नहीं लगने दूंगी, आप मेरे बिस्तर के बगल में सोना, उससे क्या होगा, गाड़ी के पल्लू से आपको हवा दे दूंगी। तो बच्चों अब दरवाजा फटाक से बंद कर लो, फूफावान रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, आ जाते हैं मुंह उठा के। हम तो ऐसे रिश्तेदार से परेशान हो गए। दारो को मारो गोली, आओ उठाओ मेरी चुनरी और खोलो झोली। हमारी मिलने की घड़ी आ ही गई, लेकिन करना क्या है। शर्माते बहुत हो, पहले वाला बिल्कुल भी नहीं शर्माता था। कौन पहले वाला? मतलब कि पहले सब शर्माते ही हैं। वो फिर शुरू करते हैं, तुम थोड़ा घूंघट नीचे ही कर दो और थोड़ा थोड़ा शर्माओ, थोड़ा थोड़ा हंसो, तभी तो सुहाग रात में हंसी आएगी। इतनी गर्मी में अंदर सुहाग रात मना रहा है और मैं बाहर कुत्ते की तरह पड़ा हूँ। साले को आज हम सुहाग रात नहीं मनाने देंगे। ठाए ठाए, इसकी खुजली मच जाती है साले। अरे अरे अरे, फूफा जी आपके पिछवाड़े में ज्यादा ही खुजली मच गई है क्या? कंबल दे दे मुझे, बाहर बहुत ही मच्छर काट रहे हैं मुझे। नहीं खटखटा सकते थे क्या? हर बात में गोली चलानी जरूरी है क्या? हमको बता दे रहे हैं, ये कब से हमको परेशान करके रख दिया है। अगर इस बार परेशान किया ना तो इसको पैंट निकाल कर पेलूंगा मैं। आने दो, और तेल लेने गया तुम्हारा फूफा और बेबी, अब चलो हमारा तारीफ तो कर दो। अभी नजराना अंदाज में करता हूँ। ठीक है करो। तेरी आँखें टूट गई क्या? तुमने, मेरा मतलब है कि आँखें तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है कि आँखें तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। वो तुम्हारे रस्सी जैसे बात में फांसी लगा कर मरना है क्या? समुद्र सी गहरी आँखें कर मरेगा क्या? भी अच्छे से नहीं सुन सकती क्या? भी अच्छे से नहीं सुन सकती क्या? कोई तारीफ, तुम्हारे रबड़े जैसे बाल, लट्टे जैसे मुंह का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कोई एक डंडा मार क्यों नहीं देता? एक बात कान खोल कर सुन लो, तब से देख रहे हैं बंदूक चलाते फिर रहे हो। तुम्हारी ही बंदूक तुम्हारे पिछवाड़े भर देंगे और जिंदगी भर नाचते रहोगे। एक तकिया दे दे और जा सुहाग रात मना, और पांच पांच छह छह दर्जन बच्चे पैदा कर, जल्दी से पोते का मुंह देख ले हम। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।